हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग देखेंगे मेंसुरेशन का क्लास 8 शंकु कोण। ठीक है, इससे भी रेलवे जेएसएससी ठीक है टेट सी टेट में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो पहले हम इसका थ्योरी बताते हैं आप लोग को और बहुत अच्छा से एकदम बेसिक से बताएंगे और आप लोग को एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं शंकु। नहीं, कल हम बेलन और सर्किल करवाए थे, आज हम लोग शंकु को देखेंगे, कोण को देखेंगे। ठीक है, तो शंकु किसको कहेंगे सबसे पहले देखिए, इस तरह का होगा इसका फिगर, है ना? याद कर रहे हैं, आइसक्रीम खाते हैं तो आइसक्रीम वाला जो कपटीट होता है कैसा रहता है, इसी तरह का रहता है कि नहीं है? तो आधार क्या है? आधार इसका एक वृत्त के जैसा लग रहा है, नहीं? और इसका हाइट नहीं है, हाइट है नहीं है? ये वाला जो यहां से डाल देंगे तो ये आपका हाइट का काम करेगा। ठीक, और यहां से लेकर यहां तक कौन सी है इसका, ये इसका रेडियस है, नहीं? तब ये वाला क्या है, यहां से यहां तक ये वाला टेढ़ा वाला, इसको बोलते हैं हम लोग स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं इसको। ठीक है, स्लैंट हाइट बोलेंगे इंग्लिश में, स्लैंट हाइट, नहीं एल से इसको डिनोट करेंगे हम लोग। ठीक, समझ में आ गया होगा। चलिए आप देखिए ये कैसा देखने में लग रहा है, यदि ये हाइट है तो जरूर यहां पे होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री यहां पे होगा, है कि नहीं? तब ये मेरा किसका काम कर रहा है, एल का। तो हम लोग पिछले वाला मेंसुरेशन का क्लास में देखे हैं कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, इधर राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लेते हैं ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का सामने वाला को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो यही एल का काम कर रहा है, देखिए तो, है ना? और ये परपेंडिकुलर है, एच है और इठो आर है। यदि इसका फिगर को हम हटा दें, कट कर दें, तो ऐसा फिगर बनेगा। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से क्या पढ़े हैं, एल स्क्वायर बराबर पढ़े हैं एकदम, एल स्क्वायर बराबर क्या, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। लेकिन यहाँ कर्ण एच को डिनोट नहीं कर रहा, यह हाइट को डिनोट कर रहा है। तो इस तरह होता है, एकदम होता है, पढ़े हैं। ठीक, तो एल बराबर क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया, ये एक आपका फार्मूला हो गया। नहीं, कोई भी चीज में यदि शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के बोल दे, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल दे, तो आर और एल हमको बहुत जरूरी है। यदि मान लीजिए एच दे दिया, आर दे दिया और आपके पास एल नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले एल को फाइंड कर लेंगे इस फार्मूला का यूज करके, एल इक्वल रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसके बाद हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा, आयतन, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसको नोट कर लिए, चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए अब क्या होता है, देखिए कोई भी शंकु, ये एक क्या है, बेलन है, कल पढ़ा चुके थे, बेलन है ये। ठीक है, यहां से यहां क्या है इसका, ये आर है, ये तो क्या है, हाइट है, तो यहां भी क्या है, ऐसा है। ठीक है ना, अब यहां से ये कोना में को डाल दिया तिर्यक ऊंचाई और ये कोना में को डाल दिए, नहीं? आप देखिए तो इसी को यदि हम लोग बेलन से काट के निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, बेलन से हम इसको काट के निकाल लिए तो इस तरह का फिगर बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा? तो शंकु का जो आयतन होता है वो क्या होता है, शंकु का आयतन, आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता था, पाई आर स्क्वायर एच, यही ना होता था? बस इसमें कुछ नहीं करेंगे, 1/3 लगा देंगे। तो शंकु का आयतन है ना, वॉल्यूम ऑफ कोण हो गया, ये वॉल्यूम ऑफ कोण क्या हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, नहीं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इस। ठीक है, शंकु का जो आयतन है बेलन का आयतन का 1/3 होता है ना, 1/3, 1/3, समझ में आ गया। चलिए इसको मिटा देते हैं, चलिए देखिए, मान लेते हैं कि आपको बोल दे कि किसी बेलन का, किसी बेलन का है ना त्रिज्या और हाइट, और शंकु का, ठीक है, शंकु का भी त्रिज्या और हाइट क्या है, दोनों सेम है, बेलन का भी सेम है और शंकु का भी सेम है, तो इसका आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? बेलन का भी त्रिज्या और हाइट और शंकु का भी त्रिज्या और हाइट यदि सेम है, मान लेते हैं इसका त्रिज्या 2,
इसका हाइट 3, इसका त्रिज्या 2, इसका हाइट 3, तो बोलता है इसका आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा, बेलन का आयतन और शंकु का आयतन में, ठीक है। तो बेलन का आयतन हम लोग जानते हैं, बेलन का आयतन नहीं, और इधर क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या, पाई आर स्क्वायर एच होता है, और शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही ना होता है। तो देखिए ये पाई और ये पाई तो कैंसिल होगा ही, क्योंकि यहाँ 22/7 यहाँ 22/7 कैंसिल, ये आर भी सेम है, ये आर भी सेम है, ये एच भी सेम है, ये एच भी सेम है, तो यहाँ क्या बच गया, 1 और 1/3 बच गया। ये 3 को यहाँ ले जाइएगा और यह 1, मतलब क्या हो जाता है, क्या फर्क पड़ा, बेलन का जो आयतन होता है शंकु का आयतन का 3 गुना, ये शंकु का आयतन है और ये बेलन का आयतन है, बेलन का आयतन 1 तो शंकु का आयतन 3 नहीं। यदि रेडियस और ऊंचाई दोनों का समान है तो आयतन में क्या प्रभाव पड़ता है, बेलन का आयतन शंकु का आयतन का 3 गुना 3 टाइम्स हो जाता है ना, 3 टाइम्स हो जाता है। चलिए अब हम उसको मिटाते हैं और देखते हैं, अब हम लोग इसका क्या देखेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, नहीं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम बेसिक से पढ़ाएंगे आपको, थ्योरी आपका कंप्लीट होना चाहिए, 9-10 वाले के लिए भी ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और कंपटीशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, 9-10 का ही बुक को पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, नहीं तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, नहीं क्या, कार्ब सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो जाएगा, पाई आर एल, क्या होगा, पाई आर एल, नहीं पाई आर एल, ये हो गया शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। जब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हुआ दोस्तों तो इसका क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी होगा, बेलन में भी हम लोग देखे थे टोटल सरफेस एरिया, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये 1 नंबर में, ये 2 नंबर में, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना। देखिए तो पाई आर एल तो होगा ही होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि पाई आर एल तो होगा ही होगा, और इसमें क्या जुट जाएगा, ये जो आधार है, आधार में एगो कौन चीज है, सर्किल है, तो इसका एरिया भी तो जुटेगा, तब ना संपूर्ण होगा, क्योंकि सबको रंगेंगे, ये वाला भी रंगेंगे, ये वाला भी रंगेंगे, और इसको भी तो रंगेंगे, पेंट करेंगे, यदि पेंट करने का बात आएगा तो सर्किल का एरिया क्या होता है, वृत्त का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो इसमें आप पाई आर स्क्वायर को जोड़ दीजिए, यहाँ पाई आर कॉमन, यहाँ से भी पाई आर कॉमन, तो पाई आर हो गया एल प्लस आर, यही हो गया आपका शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आयतन देख लिए, स्लैंट हाइट देख लिए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल देख लिए, अब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी हम लोग देख लिए, बस अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं और देखते हैं कि रेलवे में क्या क्वेश्चन पूछता है, एसएससी में क्या क्वेश्चन पूछा है, और टेट में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक। जब बेलन से क्वेश्चन पूछता है तो शंकु से भी क्वेश्चन श्योर पूछेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन में दिखाई दे रहा है और हम लोग उसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। बोलता है एक लंब वृत्त शंकु का ऊंचाई, आपको क्या दे दिया है, ऊंचाई दे दिया है, कितना है, 84 सेंटीमीटर, ठीक है, और त्रिज्या दे दिया है कितना, 3.5 सेंटीमीटर, नहीं, और बोलता है आयतन निकालिए। तो एक फिगर आपको समझाने के लिए बना रहे हैं, आप एग्जाम में फिगर नहीं बनाने जाइएगा, आप जितना शॉर्ट कर सकते हैं कीजिएगा, नहीं तो आप इसी में फंस जाइएगा, ठीक है। फिगर बनाने में टाइम टेकन, समझने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, यदि आप समझना चाहते हैं तो कुछ भी। 84 सेंटीमीटर दे दिया है और क्या दिया है, आर दे दिया है, कितना, 3.5 सेंटीमीटर, नहीं, और क्या मांगता है, आयतन। तो शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, फार्मूला, शंकु का आयतन क्या होता है, हम लोग पढ़े हुए हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही ना होता है। लेकिन क्या आपके पास एच है, आर भी है, तो हम लोग आराम से क्या निकाल सकते हैं, आयतन निकाल सकते हैं, 1/3 दे दीजिए, 22/7 दे दीजिए, और आर स्क्वायर मतलब 3.5 × 3.5, और एच कितना है, 84 है, यही ना है, 7 से काट दीजिए इसको, 12 को 12 हो गया, नहीं, अब क्या हो गया आपका, 22 × 3.5 × 3.5 × 12/3, ठीक है।
चलिए आप सबको गुना कर लेंगे, इसको हटाइएगा तो यहाँ हो जाएगा 10, इसको हटाइएगा तो यहाँ हो जाएगा 10, नहीं, और ये 7 तो हम लोग पहले में ही काट चुके हैं, तो मेरे पास यहाँ पे 3 है, नहीं 3 है, आप देखिए किससे कटेगा, 5 दुगुना 10, 5 सत्ते 35, 5 दुगुना 10, 5 सत्ते 35, 2 छक 12, द्वितीया 6, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, मतलब 22 गुना 7 गुना 7, मैंने 49 गुना 22, 49 को 22 से गुना कर दीजिए, 9 दुगुना 18, 4 दुगुना 9 दुगुना 18, 4 दुगुना 8 एक 9, 9 दुगुना 18 और 4 दुगुना 8 और एक 9, 8 9 8 17 10, 10 से 78 सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं क्यूब, तो 10 से 78 सेंटीमीटर क्यूब, हमेशा आयतन क्यूब में होता है, ठीक है, समझ माय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार का त्रिज्या, आधार दे दिया है 6, है ना, और क्या दिया है, त्रिज्यक ऊंचाई स्लैंट हाइट 28, तो इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, यही ना होता है, तो पाई के जगह में 22/7, आर के जगह में 6 और 28, तो 7 4 28, 6 4 24, 22 गुना हो जाएगा 24, अब 22 को 24 से गुना कीजिए, 4 दुगुना 8, 4 दुगुना 8, 2 दुगुना 4 और 2 दुगुना 4, तो ये हो गया आपका 8 12 और 5, 528, नहीं, तो ऑप्शन नंबर किस में है, बी में है, 528 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन में है, नेक्स्ट क्या बोलता है कि एक लंब वृत्त शंकु का आयतन, अब हमको क्या दे दिया है, वॉल्यूम दे दिया है, आयतन दे दिया है, नहीं, कितना दिया है, बोल रहा है कि 1232, 1232, नहीं, ये एक शंकु है मान लेते हैं, ठीक, 1232 इसका आयतन दे दिया और यह हाइट दे दिया है, कितना हाइट दे दिया है आपका, कितना एच दे दिया है आपका 24, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसका हमको मांग रहा है, तो आप एक बात याद रखिए, आयतन दिया है नहीं, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर एल, लेकिन क्या आपके पास आर है, नहीं है, एल एल नहीं है, नहीं आर भी नहीं है, नहीं, तो हमको क्या करना होगा, आयतन दिया है ना, तो आयतन बराबर क्या होता है, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच दे दिया है 24, तो एच लगा दिए, आयतन के जगह में दे दिया है 1232, तो आप यहाँ पीठो लिख दीजिए, है ना, और 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच ऐसे ही रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को चाहिए क्या, आर स्क्वायर, तो इधर देखिए 1232 हो गया, ये 3 इधर आके गुना हो जाएगा, ये 7 इधर आके गुना हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 22 और नीचे हो जाएगा 24, नहीं, और यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर, क्योंकि हमको आर निकालना बहुत जरूरी है तभी होगा, तो देखिए 3 8 24, नहीं ठीक है, 8 से इसको कटाइए, 8 से कटाइए, 8 का 8 4, 8 5 40, ठीक 3, 8 4 32, नहीं और 22 7 है ना, तो ये हो गया 49, 7 गुना 7 आर स्क्वायर, तो आर बराबर क्या हो गया, अंडर रूट 49 बराबर 7 हो गया, ठीक है, हमको क्या बोलता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, तो देखिए 22/7 आर हमको मिल गया है, कितना आर मिला है हमको, कितना अभी 7 मिला है, एल है, एल भी नहीं है, तो एल भी हमको फाइंड करना होगा, आर याद रखिएगा 7 है, ठीक है, चलिए एल भी नहीं है, तो हम सबसे फर्स्ट में आपको क्या पढ़ाए, एल बराबर क्या होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एच मेरा कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर कर दीजिए और 7 का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये होगा 576 और ये हो जाएगा 49, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 625 और 625 का वर्गमूल 25 होता है, नहीं अब यहाँ आप कर दीजिए 25, ये 7 और ये 7 कट गया, तो 22 गुना 25, अब 22 गुना 25 कर लीजिए, है ना, 5 दुगुना 10, 5 दुगुना 10 एक 11,
और यहाँ पे हो गया आपका 44, 055, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आपका आंसर, सी नंबर हो गया आपका आंसर। तो देखिए हम लोग जो थ्योरी पढ़ा है उसी को यूज कर रहे हैं, कैसे त्रिज्या को ऊंचाई निकाल रहे हैं, कैसे सलै ये एच निकाल रहे हैं, कैसे आर निकाल रहे हैं, खाली फार्मूला का यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन में है, क्या बोलता है कि एक लंब वृत्त शंकु का आधार का क्षेत्रफल, एक शंकु है ऐसा, ठीक है, आधार का क्षेत्रफल, तो आधार मतलब क्या, सर्किल का क्षेत्रफल दिया है, मतलब पाई आर स्क्वायर बराबर दे दिया 154 नहीं, और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, एच है आपका 14 सेंटीमीटर। तो बोलता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए, हमको अभी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए पाई आर एल चाहिए। आपके पास आर नहीं है, एल भी नहीं है, सिर्फ ये है मेरा, तो हम इसको यूज करेंगे 22/7 आर स्क्वायर बराबर 154 होता है, 22 × 7 = 154, ये 7 इधर चला जाएगा तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा 49, तो आर बराबर रूट ओवर चढ़ जाएगा, ये आपका हो गया 7 सेंटीमीटर, मतलब आर आपका आ गया 7 सेंटीमीटर, आर बराबर हो गया 7, तो हम एल निकाल लेंगे, क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, नहीं तो आर मेरे पास कितना है 7, 7 का स्क्वायर, आर एच कितना है 14 है, ऊपर में देखिए 14, तो 49 + 196, तो ये हो जाएगा आपका 196 और 49, 9 × 15 × 14 245 हो गया। अब हमको क्या चाहिए, पाई आर एल, तो पाई आर है मेरे पास 7 और एल है कितना √2, 4, 5, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो 22 × 245 हो गया नहीं। अब देखिए आंसर है ऑप्शन, देखिए ऑप्शन चारों में से तो नहीं है, अब हमको ये 245 को तोड़ना होगा, तो 245 को ऐसे तोड़िएगा तो किससे जाएगा 5 से, 5 × 4 = 20, 5 × 9 = 45, 7 × 7 = 49 है ना, 7√5 माने 22 × 7√5 माने 154√5 आपका 5 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर हो गया आपका एक नंबर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्क्रीन में है, क्या बोल रहा है कि एक लंब एक शंकु का त्रिज्या तथा ऊंचाई है ना, त्रिज्या है और ऊंचाई है, इसका अनुपात कितना है 5 है और 12 है, और आयतन दे दिया है कितना, आयतन दे दिया है आपको 314 × 7 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपको दे दिया है, ठीक है। अब देखिए इसको x हटा लीजिए, इसमें भी x हटा लीजिए, अब शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, तो आर क्या है 5, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा 25x का स्क्वायर इंटू एच, एच कितना है 12x नहीं, और इसको जो कर दीजिएगा इधर हो जाएगा आपका 2200/7, ठीक है, इधर भी आयतन और इधर भी आयतन, ये जो आयतन दिया हुआ है, ठीक, आप आराम से इसको कटाइए, तो कैसे कटेगा ये, तीन चार 12 नहीं, और ये 7 और ये 7 कैंसिल नहीं, आप गुना कीजिए इसको 25 × 4 = 100, 2200 हो गया, 22 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया 100x³ नहीं, और ये हो गया 22000/7, तो कट गया, तो आपका यही रहा, मतलब हो गया 2200x³ और बटा इधर 2200 हो गया नहीं, ये 2200 और ये 2200 कैंसिल हो गया, तो इधर क्या हो गया x³ = 1, तो x बराबर कितना हो गया 1 हो गया है ना, तो x बराबर 1 हो गया, तो यहाँ 1 का वैल्यू पुट कर देंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 5, यहाँ 1 का वैल्यू कर देंगे तो मतलब अब ओरिजिनल r बराबर हो गया 5 और h बराबर हो गया 12, यही याद रखिएगा, इसका बराबर ये और इसके बराबर ये, हमको क्या मांग रहा है स्लैंट हाइट नहीं, तो इसको हम मिटा देते हैं, तो हमको बोल रहा है क्या त्रिज्या लंबाई ज्ञात कीजिए,
तो तिर्यक लंबाई बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर मेरा कितना है, 5 का स्क्वायर, एल कितना है, 12 का स्क्वायर, मतलब आपका हो गया 100, यहाँ हो गया 25 और ये हो गया 144, तो 25 और 44 हो गया 169, तो आपका हो गया 13, तो 13 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो हम लोग इस वीडियो में इतना ही देखते हैं, और हम कभी फिर तिर्यक से संबंधित क्वेश्चन लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।